हेलो गाइस, लैना तेरी क्या प्रॉब्लम है? तो ये समझ गया है कि मैं जा रही हूँ और ये गुस्सा करने लग गया है। चलो चलो, अब मैं कहीं जाऊंगी, मैं कहीं जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, और मैं रेडी हुई हूँ बाहर मार्केट जाने के लिए और लैनेक्स ना पीछे पड़ गया। जैसे ही मैं रेडी हुई हूँ तो अभी मैं लैनेक्स को संभाल लूँ और मैं निकल के आपसे बात करती हूँ। हाय लैनेक्स, मेरे बेटो, अब जल्दी आ जाऊंगी मैं, जल्दी छोटी सी काका, जल्दी आ जाऊंगी जल्दी। मेरा लैनेक्स गुस्सा होने लगता है जब भी मैं जाती हूँ। तो गाइस, हमारे साथ में है मदन भैया, ये हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं। दिखा रहा जरा अपनी शक्ल, शक्ल दिखा नहीं सकते क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़गंज, और कौन सी शॉप पे जा रहे हैं तो वो भी दिखा देंगे आपको। तो हम लोग पहाड़गंज पहुंच चुके हैं, हमने अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा दी और यहाँ जाम था दूसरी साइड, तो हम लोगों ने पीछे ही गाड़ी लगा दी। तो पुरानी दिल्ली में अक्सर ना मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये मदन भैया और बस अब वॉलपेपर की शॉप पर जा रहे हैं। तो हमें मिल गया बर्फ, हमने इसको बुला लिया अपने पास में। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं छोले भटूरे की शॉप पर, और क्योंकि पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद में जो भी कोई शॉपिंग करनी है वो करेंगे, क्योंकि संजय जी को भी भूख लग रही है। मेरे फेवरेट तो खैर छोले भटूरे ही हैं, और सब मतलब मजाक बना रहे थे कि क्योंकि सबसे पहले मेरे छोले भटूरे आए और इन लोगों का जो ऑर्डर है वो बाद में आया। तो इन लोगों ने चूर चूर नान का ऑर्डर किया था और हम इस शॉप पर फर्स्ट टाइम आए थे। तो गाइस, हम लोगों ने छोले भटूरे खा लिए और संजय जी बोले पेमेंट कर रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हमें? वापस वहीं चलना है। तो हम आए हैं मदन भैया के साथ में रोल लेने के लिए। ये देखो, ये हमने वॉलपेपर भी परचेस किए हैं और अब सब कहते हैं कि आप लोग भी लगवाइए, घर में काफी अच्छे हैं। ये वॉलपेपर वालों के ना प्रचार कर रहे हैं भैया। जय हनुमान। हाँ दोस्तों, ये सारे वॉलपेपर्स हैं, ये देखो तीन कलर, कितने बढ़िया बढ़िया कलर है। जीरो है वो, दूसरा कलर देखो। और ये देखिए, पूरा पूरा गोदाम है वॉलपेपर का। आपको पसंदीदा वो है लाइट वाला देखो। तो एक काम हमारा फाइनली निपटा वॉलपेपर का। लड़के को कब भेजोगे? देखो भैया, नहीं ऐसा मत करो, आज भेज दो ना। तो गाइस, हम लोगों ने वॉलपेपर ले लिया है और अब चलते हैं घर। देखो दो दो मजदूर दिहाड़ी पे जाते हुए। हाँ, कहाँ दिहाड़ी पे जा रहे हो? देखो ये लोग दिहाड़ी पे जाते हुए, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है मार्केट जाने का। पर भी येरा चलो, आ जाओ, नहीं मेरे को बाल उड़ेंगे, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। मुझे लेके जाने के लिए बोल रहा है, तू पहुंच। दो मजदूरों को देखो कैसे आते हुए। एक मिनट रुको। चलो 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 चलो।
जाएगी और। हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि जो वॉलपेपर वाले जो भैया हैं वो अभी एक घंटे में पहुंच जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आगे की मार्केट मैं कर लूं। तो अब नेक्स्ट डे कभी भी मार्केट जाऊंगी, और अभी तो फिलहाल हम घर जा रहे हैं और बहुत गर्मी है, बुरा हाल है, लग रहा है कि ठंड आ गई मगर इस टाइम तो है ही गर्मी, तो चलते हैं घर पर। तो गाइज मैं अभी जस्ट अभी घर पर पहुंची हूँ और वॉलपेपर वाला भैया बस आ ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैम मैं अभी 3:30 बजे तक आ जाता हूँ, तो अच्छा है कि मेरा आज एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही भैया आते हैं तो वॉलपेपर लगवाती हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, मतलब मेरे ना दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं वॉलपेपर को लेकर, क्योंकि एक वॉलपेपर है वो मेरी पसंद का आया है और एक वॉलपेपर संजय जी के पसंद का आया है, देखते हैं कि कौन सा अच्छा लगता है कौन सा नहीं, मतलब मुझे दिमाग में कुछ उलझने चल रही हैं। तो आते हैं और वॉलपेपर वाले भैया देखते हैं कैसा लगेगा, दिखाती हूँ मैं आपको। जल्दी जल्दी तुम मेरा क्यों वेव को बना रहे थे है, तुम मेरा क्यों वेव को बना रहे थे, पता मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही हूँ भैया ना भैया को ना किसी और ने पकड़ लिया किसी और क्या चले गए सर के साथ, देखिए बस बस है ये बोल रहे हैं मैडम मैं तो पहुंच ही गया हूँ सर के पास में, अरे पहुंच गए थे वहां पे फिर हम इनको मान लिए, इनको ये काटेगा नहीं काटेगा, मारूंगा बहुत, चलो जाओ मदन इसको इधर खींच उधर से, मदन भैया देखने आए कैसा लगता है वॉलपेपर। तो यहाँ मदन भैया के साथ हम कॉमेडी करते रहते हैं, मेरी जो वीडियोस में ना कॉमेडी करोगे आज, और मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में आपको एक कॉमेडियों के लिए अपनी वीडियो में लूँ, कॉमेडी का हीरो हूँ आप पक्के वाले हीरो कॉमेडी की, हेलो गाइस आज हम आपको दिखा रहे हैं वॉलपेपर किस तरीके का लगेगा, हाँ बताओ कैसे लगेगा, अभी जब लगेगा जब आपको दिखाई देगा, हाँ तो आने वाले टाइम में गाइज हम भैया के गांव जाने वाले हैं, भैया हमें पूरे गांव की सैर कराने वाले हैं, है ना अच्छा जी, हाँ जी ओके बाय बाय, फिल्म मत बनाओ, मैं फिल्म नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी क्लिप लेनी पड़ती है, क्लिप बात की बात है, पहले लग तो जाए, अरे लग तो वीडियो फिर बनानी इसलिए तो है, मेरा ब्लॉग बनेगा कैसे सुनो मदन भैया ब्लॉगिंग करना पता आपको इतना आसान नहीं है, अरे सब आसान है, कुछ आसान नहीं है, रहन दो इतना आसान नहीं है, कोई भी काम चालू हो जाता है ना लेनिक सबसे पहले परेशान हो जाता है लेनी, बढ़िया काम चल रहा है हमें भाई, देख कैसे काम होता है खाली ऐसे बैठ के देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना चलो जाओ काम करो, बर्तन भी साफ, जब बर्तन साफ कर मैंने बर्तन साफ कर जाके, तो वॉलपेपर लगना तो स्टार्ट हो गया, तो फाइनल होने पर दिखाऊंगी आपको कि कैसा लगा लुक। तो गाइस ये पूरा काम हो चुका है वॉलपेपर का, कैसा लगा आज पूरे दिन मेहनत करी, आज मेहनत लग रहा है सफल है, आज लग रहा है कि मेहनत सफल हुई, जो हमने मेहनत करी ना इसके स्विच बोर्ड हटाने में और सब पीओपी भरने में, किचन में मतलब थोड़ा सा वॉलपेपर बच गया था तो उसकी दीवारें भी खराब हो रही थी, तो मैंने कहा भैया यहाँ पे भी लगा दो, तो ये रही किचन एरिया, तो इसमें मैंने ये जो ब्लैक वाला जो वॉलपेपर है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगवा दिया क्योंकि सामने वाली जो वॉल थी ना वो खराब हो रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक मेहनत सफल हुई है मेरी, और आपने देखे होगा उस वीडियो में इन वॉल में जो बॉक्सेस थे उसके अंदर पीओपी वगैरह मैंने ही भरी थी, और हमारा 2 दिन लगा, अपने घर में तो लोग खुद ही मेहनत करते हैं ना, तो और थोड़ा आगे कोई करेगा, वो ठीक है हमने 600-700 रुपए बचा लिए, लेकिन फिर भी मतलब कई आदमी सूट नहीं करते 600-700 रुपए सूट नहीं करता ना, मैं हथौड़ा चलाता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा, अच्छा अपने घर में सब हथौड़ा चलाते हैं, मैं भी चला लेती हूँ कहीं ना कहीं, तो
चलो बट अच्छा लग रहा है और लुक भी थोड़ा सा और चेंज भी हो गया क्योंकि उस वॉल को ना देख देख के थोड़ा सा बोरिंग सी फील हो रही थी। तो कोई भी अगर किसी का भी मन करे अपनी थोड़ी दीवारों को चेंज करने का तो वॉल पेपर लगा लो और मस्त। बॉक्सेस साइड में रहे तो ज्यादा अच्छा है। बॉक्सेस आजकल फैशन खत्म हो गया उसका, जो बीच में बॉक्सेस लगाते थे जैसे कि हमने किया, हमारे बॉक्सेस इसमें दिख नहीं रहे जो इलेक्ट्रिक बॉक्सेस हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो टाटा बाय।